नमस्कार, मैं रंजन कुमार अमृतधि न्यूज़ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है, यानी इंटरनेशनल वुमेंस डे। महिलाएं जो हैं आज घर से बाहर निकलकर अपने अधिकारों की मांग करती हैं और जो पीड़िताएँ हैं उन्हें न्याय दिलवाने के लिए आगे बढ़कर उन्हें मदद करती हैं। आइए, इस अवसर पर हम स्वागत करते हैं बिहार के एक वरिष्ठ चित्रकार सुरेंद्र लाल दास कलादर्शी जी का। समक्ष बिहार के वरिष्ठ चित्रकार सुरेंद्र लाल दास, जिन्हें कलादर्शी के नाम से भी जाना जाता है, वो हमारे सामने उपस्थित हैं दो अपनी महान कलाकृतियों के साथ। आइए उनसे बातचीत करते हैं उनकी दो कलाकृतियों के बारे में। नमस्कार, अपना परिचय देंगे ज़रा। मेरा नाम सुरेंद्र लाल दास कलादर्शी है। 2001 में यह जो कलाकृति है, 2001 में शायद इसे राष्ट्रीय साक्षरता मिशन भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा पुरस्कृत किया गया था 8/9/2001 को, और भारत के तत्कालीन माननीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के हाथों। क्या कहेंगे, इस पुरस्कार को पाकर आपको कैसा लगा था? ये महिला सशक्तिकरण वर्ष मनाया भी गया था और इस कलाकृति पर आपको भारत के माननीय प्रधानमंत्री के हाथों पुरस्कार भी मिला था। कैसा लगा आपको जब ये पुरस्कार मिला था आपको नई दिल्ली में? पहली बार नई दिल्ली आप गए थे? हाँ, बड़ी खुशी हुई थी। और इस चित्र में मैं जितना परिश्रम किया था वो सार्थक रहा। और इसमें दिखाया गया है कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो या स्वास्थ्य का क्षेत्र हो या इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो या चिकित्सा का क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र या कला का क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में महिलाएं आगे हैं। और उसके लिए सबसे ज़रूरी है साक्षरता, और इसके लिए बालिका शिक्षा बहुत ज़रूरी है। यहाँ एक कलाकृति दिख रहा है, इसके बारे में सुरेंद्र लाल दास जी आप ज़रा बताएं इस चित्र के बारे में। 13 ईस्वी में जी उपेंद्र महर्षि संस्थान में 10 दिन का कला शिविर लगा था, कैंप, नेशनल कैंप, राष्ट्रीय कैंप लगा था। और उसी शिविर में बैठ कर के 10 दिन में पेंटिंग को तैयार किए थे। तो ये भी उसमें फर्स्ट रहा और इस पर अवार्ड भी मिला, और दर्शकों द्वारा बहुत ही प्रशंसित रहा। कला प्रेमियों ने इसकी सराहना भी की। महिला साक्षरता तो जरूरी है महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, और इसमें तीन देवियां भी दिख रही हैं, जिसमें एक नारी के तीन रूप हैं, जिसमें एक दिखाया गया है कि महिला जो एक नारी जो उसके हाथ में किताब है, यानी देवी सरस्वती, क्योंकि सबसे पहले ज़रूरी है साक्षरता। देवी सरस्वती का आशीर्वाद होगा तभी हम जो है वो क्या कहते हैं, समृद्धि होगी, विकास होगा, उन्नति होगी, तरक्की होगी, रोज़गार मिलेगा। क्योंकि दूसरे जो नारी का जो चित्र बना उसमें दिख रहा है एक नारी के हाथ में कमल का फूल है, यानी धन की लक्ष्मी देवी लक्ष्मी। क्योंकि पढ़ेंगे लिखेंगे तभी जो है बालिकाएं जो है साक्षर होंगी, साक्षर होने के बाद ही वो अपने पैरों पर निर्भर करेंगी और उन्हें रोज़गार मिलेगा। और तीसरा जो चित्र है उसमें दिख रहा है शंखनाद कर रही है एक नारी, यानी दुर्गा। और जब साक्षरता के बाद नारी जो है वो अपने पैरों पर खड़े हो जाएगी, आत्मनिर्भर हो जाएगी, आर्थिक रूप से सक्षम हो जाएगी, तब वो पारिवारिक विकास करेगी, आत्मनिर्भर हो जाएगी, और तब वह जो है अपना आत्मनिर्भर होने का मतलब है कि वो अपने शक्ति का प्रदर्शन करते हुए मतलब विजय प्राप्त करेगी कि कोई भी क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा हो, शिक्षा हो, या न्याय हो, या समाज सेवा हो, कोई भी क्षेत्र उसमें विजय प्राप्त करेगी। और उसमें वो महिला जो है वो नारी का प्रतिनिधित्व करेगी, लीडरशिप करेगी। और क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में?
पटना दूरदर्शन के द्वारा जो आपका एक इंटरव्यू भी दिखाया गया था, उसमें भी यह चित्र जो है दर्शकों द्वारा बहुत ही प्रशंसित रहा था। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, इस अवसर पर क्या कहना चाहेंगे आप? दोनों चीज महिला के संबंधित कुछ बनाया गया है जो आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर इसको प्रदर्शित करते हुए मुझे खुशी हो रही है। और मुझे उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सभी लोग संकल्प लेंगे कि बालिका शिक्षा और नारी शिक्षा को महत्व देते हुए बालिकाओं और महिलाओं को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करेंगे, नारी शिक्षा और बालिका शिक्षा को समर्थन देते हुए समाज को आगे बढ़ाने के लिए सहयोग करेंगे, तभी जो है हमारा समाज जो है खुशहाल होगा और बालिका और महिला सशक्तिकरण होगा और बिहार का नाम दुनिया भर में रोशन होगा। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं रंजन कुमार, अमृत दिन न्यूज, पटना बिहार। नमस्कार, धन्यवाद, नमस्कार।